जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इंडियन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन किसी पद पर प्रतिष्ठित है, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आप घर परिवार मित्रों से अच्छे संबंध और सहयोग प्राप्त के योग बन रहे हैं। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ एवं तीर्थ क्षेत्र में जाने की स्थिति आपके मन में आज के दिन आ सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को जमीन जायदाद में वृद्धि एवं भूमि लाभ से योग के संकेत। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ, पूर्व किसी पद पर प्रतिष्ठित है, नए पद की पदोन्नति। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत, भूमि भवनादि निर्माण कर सकते हैं। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आपको मानसिक तनाव की स्थिति चली आ रही जो है आज के दिन समाप्त हो सकती है, अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को मशीनरी जैसे काम आप प्रारंभ करेंगे लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था वह आज सिद्ध और संपन्न हो सकता है। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय, शुभ संकेत के योग बन रहे हैं। दशम राशि मकर। मकर राशि वालों को अनायास अचानक धन लाभ के संकेत एवं शनि साढ़े साथी महादशा की स्थिति से आपको अब अड़चने समाप्त होने वाली हैं। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपके लिए शनि को प्रसन्न करने के लिए नीलम व्रत धारण करें अथवा ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय बीज मंत्र का जप करें, श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको परिवार से, घर परिवार मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और आपकी दिन की स्थिति आज बेहतर और श्रेष्ठ रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।